अभी अपने घर में मेरठ से निकल के थोड़ा काम था, मुझे किसी को देखना था हॉस्पिटल, तो मवाना रोड पे वेलेंटेस हॉस्पिटल है वहाँ जा रहा था। तो पहला एक एसआर का पेट्रोल पंप पड़ा, जर्नली हम जो है इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम के पंप देखते हैं, इन्हें प्राइवेट पंप पहला पड़ा एसआर का। तो मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ देखते हैं रुक के और एक वीडियो शूट कर लेते हैं फटाफट कि क्या क्या यहाँ कैसा है, क्योंकि मुझे बड़ा साफ सुथरा खुला बढ़िया पंप लगा ये। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो हम करते हैं पेट्रोल पंप के अंदर एंटर। अभी देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना साफ है, और यहाँ एंट्री पॉइंट पे ही पानी लगा हुआ है। अभी मेरे सामने लोग भर के पी के ले गए। ये एयर भी अवेलेबल है यहाँ, आप क्लियरली देख सकते हो, और ये भी बहुत अच्छी चीज है। डीजल पेट्रोल का डिमार्केशन लगा हुआ है बढ़िया। ये मशीनें सब नया है, नई मशीनें हैं, स्टाफ ने वर्दी पहन रखी है। हाँ जी भैया, डीजल? हाँ हाँ, डीजल है, यहाँ लिख भी रखा है, मैंने भी देख लिया है, वो जैसे पेट्रोल लिखा हुआ है। तो अब हमने गाड़ी में डला लिया डीजल। अब मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैं रुक के ज़रा इसका रिव्यू बना रहा हूँ। कार अच्छी कंपनी है, ये देखिए यहाँ इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रख रखा है, मास्क लगा रखे हैं, फेस मास्क लगा रखे हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तीन कंट देखिए, बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि ये देहात का इलाका है तो यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट कम है, तो यहाँ काफ़ी आवाजाही है। ये भी सब लगा रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। रॉयल फिलिंग स्टेशन टाइमिंग वगैरह सब लगा रखा है। यहाँ देखिए फेस शील्ड वगैरह इन्होंने सब लगा रखी है, और यहाँ बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है कानों पर थूकना बना है, बिना मास्क या तौलिए के तेल नहीं मिलेगा, और सब ने शील्ड लगा रखी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर मैं इनसे अभी जाके अंदर इनकी रिव्यू बुक सुझाव पुस्तिका लेता हूँ और उसमें अपनी एंट्री कर देता हूँ, जो भी मुझे रिव्यू देना है, क्योंकि मैं रिव्यू करने लगा हूँ तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए जब कुछ अच्छा हो रहा हो। तो हम ऑफिस में आ गए हैं, और यहाँ एक अच्छी चीज़ और मुझे दिखी, ये कैमरे वगैरह भी चल रहे हैं। तो मैं सजेशन बुकलेट को भरने आ गया था ये भी, और यहाँ मुझे मालिक भी मिल गए हैं, तो एक बार हम उनसे भी बात कर लेंगे और हमें और जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी सर, तो आपका पंप मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं आपकी सजेशन बुकलेट में कुछ भरना चाहूँगा अपनी साइड से। बहुत बढ़िया इन्होंने बना रखी है, और ये देखिए लोग आते भी हैं और सजेशन देते भी हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितने लोग हैं, ये भी है देखिए कुमार, इससे पहले कौन थे, हाँ जो छोटा सा है, ये बड़ा सा है देखिए, मैंने बताया था गांव का एरिया तो हिंदी में हुआ ना। अब हम अपना भी भरते हैं और फिर आपको पता है, मैंने अपना रिव्यू यहाँ डाल दिया है, और मैं इंग्लिश में ही लिख पाता हूँ तो हिंदी में नहीं लिखा है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, इसलिए मैं वीडियो को आगे लेके आया हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये कुछ मैंने देखा, आप देख सकते हैं, मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा, कुछ दिन पहले का रिव्यू है, बड़ा अच्छा। ये हमारे बहुत फेमस और पसंदीदा यूट्यूबर हैं, मैं भी बड़ी इनकी वीडियोस देखता हूँ, अरुण भाई अपने, तो यहाँ वो भी आए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिव्यू डाल रखा है। तो पंप बड़ा अच्छा है, और वॉशरूम में दिखाना रह गया था, लेकिन मैंने पीछे जाके देखे वो भी बड़े क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं। तो अब हम पंप के मालिक से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। सर मुझे आपका पंप बड़ा पसंद आया है, कितने समय से चल रहा है? ये इसको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और पहले ये कंपनी जो थी एसआर ऑयल लिमिटेड के नाम से थी, जिसको एक विदेशी रूस की कंपनी ने न्यारा एनर्जी लिमिटेड ने इसको खरीद लिया है, तो इसका नाम न्यारा एनर्जी लिमिटेड हो गया है। अच्छा, और हमारी कंपनी के जो मालिक है वो मिस्टर मार्क फाउंटेन है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके। अच्छा, कोई भी अगर आदमी विदेशी किसी भी देश में आता है तो वो कोई भी
डॉट रखने की भी कमी नहीं छोड़ता अपने काम में जी बिल्कुल। अगर हम भी कहीं विदेश में जाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम कहीं भी कोई गलती ना कर बैठे। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए हमारे पंखों पर अगर आपने देखा होगा तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं मिली होगी, और कोई कमी मिली है तो आप उसको बताएं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, नहीं मुझे यहाँ कोई कमी नहीं लगी, परफेक्ट है, क्योंकि हम तो इतने साल से भाई बाकी आप समझ रहे हैं कौन से पंपों से तेल डलाते हैं, तो यहाँ बड़ा प्रोफेशनलिज्म सिस्टमेटिक लगा, और आप ओनर हो गए खुद बैठे हैं, नहीं तो ये भी नहीं दिखते, और सारी फैसिलिटीज़ आपकी वर्किंग है, तो मुझे आपका पंप बहुत अच्छा लगा। चलिए आपसे मिलकर खुशी हुई, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।